हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल तो आज हम ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं बिकॉज टुडे संडे तो ये पूरा रिविजन वीडियो हमारा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे वीकेंड मतलब वीक डेज में आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यू विल गेट अ लॉट अबाउट इट कि वट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड वाट हैपनिंग इन अ कंट्री है ना तो आप टीवी अगर नहीं देखते हो तो मस्ट वॉच एंटायर न्यूज़ डिस्कशन एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन सो अगर आप रेगुलरली न्यूज़ डिस्कशन देख रहे हैं सुन रहे हैं ध्यान से तो आपको ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्योंकि कल ही हमने जी से रिलेटेड जो एक मीटिंग हुई थी जिसको अभी किसने होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने ठीक है तो उस पर हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था और काफ़ी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हमने देखी थी तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पहले आंसर करना है एवरी मेंबर ऑफ जी ट्वेंटी होल्ड द प्रेजिडेंसी फॉर टू ईयर्स ठीक है पहला स्टेटमेंट है कि हर जो जी ट्वेंटी सदस्य है वो हर दो साल के लिए प्रेजिडेंसी होल्ड करता है क्या ये स्टेटमेंट सही है इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क यूएसए है ना मैंने स्पेसिफिकली फोकस करके बताया था इसके बारे में आपको विच ऑफ दी अबव इज आर करेक्ट ठीक है तो ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू डी इन वन नॉर टू ठीक है तो यहाँ पे ये चीज़ है देन हमने कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में यहाँ पे देखा था कि एक्सरसाइजेज हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे आपको बताना है जैसे स्लिनेक्स अभी ने हम देखा था ना श्रीलंका और इंडिया के साथ में और पिच ब्लैक एक्सरसाइज और जो ऑसी इंडेक्स है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है इंडिया की ठीक है नेवल एक्सरसाइज अभी इंदिरा को देखो इंडिया ब्रिटेन के बीच में नेवल एक्सरसाइज है नसीम जो है अल्बहर इंडिया ओपन नेवल एक्सरसाइज वरुणा इंडिया फ्रांस तो आपको बताना है कि कौन से इसमें से सही है ठीक है तो वन एंड टू मी टू एंड थ्री वन एंड थ्री एंड ओनली टू ठीक है तो डी ये आंसर आप जरूर कीजिएगा नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने कुछ न्यूज़ हैं ये देख लेते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 ठीक है तो ये एक रिलीज की गई थी रिपोर्ट हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ठीक है तो ये आपके जो जीएस प्रीलिम्स एंड जीएस एस थर्ड है पोल्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर अगर पहली बात तो ये याद है कि हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की जाती है अभी जो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट है ये है क्या तो ये क्या है एज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट फंडेड ज्वाइंटली बाय द यू एस एज प्रोटेक्शन एजेंसी एंड अदर्स ठीक है तो ये नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है independent और इसके जो की टेक अवेज़ ये हैं इसके कि इसने हाईलाइट किया है कि जो एयर पोल्यूशन है वो लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर बन गया है ठीक है डेथ अमंग ऑल हेल्थ रिस्क ओके तो ये है और फर्स्ट एवर ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है जिसमें एयर पोल्यूशन का मतलब जो न्यू बॉर्न्नस है ना न्यूली बॉर्न्स जो है बेबी तो उन पर मतलब किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है और जो इसमें इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल और जो कंट्रीज हैं तो इसमें ये टॉप टेन कंट्रीज़ की लिस्ट में है विद द हाइस्ट पी एम टू पर्टिकुलर मैटर एक्सपोजर 2019 में ठीक है तो ये सारी कंट्रीज ने एक्सपीरियंस किया है कि जो 2010 के 10 से लेके और 2019 के बीच में जो पर्टिकुलर मैटर है पी एम टू वो इंक्रीमेंट उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है ठीक है एंड इंडिया इज ऑल्सो अमंग टॉप टेन कंट्रीज इंडिया भी इन टॉप टेन कंट्रीज में है विद हाईएस्ट ओ थ्री एक्सपोजर इन 2019, ओके तो यह है अमंग द टू ट्वेंटी मोस्ट पॉपुलर्स कंट्री इंडिया ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट इंक्रीज़ 17% परसेंट इन ओजोन कंसंट्रेशन इन द पास्ट टेन ईयर्स और ये सारी चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म के जो एक्सपोजर हुए हैं आउटडोर हाउस होल्ड इंडोर एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड 1.6 मिलियन एनुअल डेथ है ना और आपको ये फैक्ट भी कुछ पता होने चाहिए कि जो पीएम है ठीक है पर्टिकुलर मैटर है क्योंकि हमने देखा था ना हाईली पोल्यूटेंट ये सबसे ज़्यादा होता है एयर पोल्यूशन में तो डेथ जो हुई है मोर देन वन लाख सिक्सटीन थाउजेंड इंडियन जो इन्फेंट्स हैं वो अपने जो फर्स्ट मंथ होता है ना उसमें ही सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से एक यही बड़ा रीजन रहता है ठीक है तो ये मोर देन हाफ ऑफ डेथ्स वर एसोसिएटेड विद आउटडोर पीएम 2.5 ठीक है तो ये चीज़ है एंड जो अदर हैं वो लिंक्ड होती है सॉलिड फ्यूल से जैसे चारकोल वुड एनिमल डंग फॉर कुकिंग है ना तो उससे नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कंसिडरिंग फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर ट्वेंटी जो रिपोर्ट है तो पहला ये कि ज बीन रिलीज बाय दी हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट क्या ये स्टेटमेंट सही है दूसरा ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडिया इज ऑल्सो अमंग द टॉप टेन कंट्रीज विद हाइस्ट ओजोन एक्सपोजर इन टू थाउजेंड नाइन्टी तो अगर ये ऊपर की न्यूज़ आपने एक बार ध्यान से इसलिए सुनने में ज़्यादा फोकस करो मतलब आप है ना क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी एकिया की -एक इंग्लिश तो मतलब पढ़ती नहीं हूँ और मतलब मेरा यहाँ पर बस यही पर्पज़ रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप समझो और ज्यादा से ज्यादा चीज़ें जो है याद रहें है ना तो ये है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप इजिली बता सकते हो आई होप नेक्स्ट जो यहाँ पे है यूएन के बारे में हमने देखा था कि uh... Uh, 1975 को uh, 1945 को क्या था इसका गठन हुआ था एंड करंटली इसके 193 मेंबर हैं और पहले मतलब पूरी हिस्ट्री भी देखी थी कि लीग ऑफ नेशन का किस तरीके से फेलियर हुआ था है ना उसके बाद कैसे मतलब 1949 में यू चार्टर लाया गया फाउंडेशनल ट्रीटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ये बनाई गई मेन कंपोनेंट देखे थे जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ट्रस्ट काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना एंड द यू एन सेक्रेटरीट तो हमने ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की हैं इसके अलावा जो है हमने इसमें रिफॉर्म लाने की बात भी की थी तो ये स्टैटिक पार्ट आपको पता होना चाहिए इसका अच्छे से और दूसरा जो है यहाँ पे आईएलओ के बारे में भी हमने देखा था है ना आईएलओ में क्या था कि यहाँ पे जो मतलब न्यूली एक इलेक्टेड इलेक्ट elect किया गया है किसको इंडिया गेट्स चेयरमैनशिप ऑफ आइलो बॉडी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की विद लेबर सेक्रेटरी कौन है अपूर्वा चंद्रा ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी अक्टूबर से जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए किया गया है. ये भी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट ग्रुप का भी ये मेम्बर है और यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और क्या है ये स्ट्रक्चर इज दी ओनली ट्रेवल्ड यू एन एजेंसी दट ब्रिंग्स टूगैदर गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय एम वर्कर्स ठीक है तो वन एट्टी सेवन इसमें मेम्बर स्टेट है ऑफ आइलो और uh, दूसरा मोटो देख लो कि मैंडेट यही है कि बेसिस फॉर पीस इज एक्सप्रेस टुडे एज डिसेंट वर्क फॉर ऑल जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है और जो इकोसॉक है ना इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो 1919 में ये बना था और इंडिपेंडेंट एजेंसी है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में हमेशा ये याद रखना कि ये एक मात्र ऐसी बॉडी है जिसमें तीनों ही एजेंसी होती हैं यानी कि गवर्नमेंट भी होती है लेबरर्स भी होते हैं और क्या होते हैं इसमें एम्प्लॉय भी होते हैं ना तो ये चीज़ें नैन यहाँ पे हमने आई जी एम डी बी के बारे में देखा था या नहीं मुझे वो याद नहीं आ रहा है बट देख लो अभी ये क्या इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है किसके द्वारा कंसीव किया गया था बाई डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ठीक है टू इनेबल अ अटैन सेल्फ सफिशियंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी ठीक है इट वॉज अप्रूव्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन एट्टी थ्री में इसको अप्रूव किया गया और मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व में ये कम्प्लीट हो गया ठीक है अब इसमें फाइव मिसाइल डेवलप की गई थी इस प्रोग्राम के तहत उन फाइव मिसाइल को आप पटना के तहत याद कर सकते हो पी ए टी एन ए पांच मिसाइल हैं पी फॉर पृथ्वी ए फॉर अग्नि टी फॉर क्या है त्रिशूल एंड एन फॉर नाग एंड आकाश ठीक है तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल के बारे में और अगर आपसे पूछा जाता है क्योंकि दो क्वेश्चन मतलब इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जैसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि ये किसके द्वारा डेवलप्ड है है ना इंडिजीनियसली किसके द्वारा डेवलप्ड है इसरो के द्वारा या फिर जो आपका डी है उसके द्वारा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डी ने अभी रिसेंटली क्या क्या किया है डी सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी एंटी रेडिएशन मिसाइल ठीक है तो उसका नाम क्या था रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल आती है या फिर रुद्रम दे दिया जाएगा रुद्रम क्या है है ना एक सबमरीन है या कुछ है तो ये सीधा सीधा आपको लिखना है एंटी रेडिएशन मिसाइल है देन सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो तो ये स्मार्ट सिस्टम है देन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल शौर्य और जो अभी ब्रह्मोस का नेवल वर्जन था वो भी आया था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमांसट्रेटर एच एस टी डी वी वहीकल एंड एंटीटैंक गाइडेंड मिसाइल जो ए टी जी एम है नाग ठीक है नाग का पता होना चाहिए क्या किस चीज़ का वेरिएंट है तो एंटी एंटीटैक गाइडेड मिसाइल है ना मतलब जो जितने भी दूसरे एनिमी के जो टैंक हो गए उनको हिट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी है ना सीधे सीधे समझिए क्योंकि टैंक है तो टैंक से रिलेटेड जो टैंक होते हैं ना सो डेवलपली इंडिजिनस ये डेवलप की गई है डी uh, के द्वारा एंड द नाग एंटीजियम कैन बी लॉन्च फ्रॉम बोथ लैंड एज वेल एज एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स ठीक है फोर टू सेवन किलोमीटर की रेंज है जितना मतलब जो uh, Uh, जितना मांग की गई थी उससे ज़्यादा ही ये क्या है रेंज uh, इसकी है ना द मिसाइल इज फिटेड विथ होम डेवलप्ड सीकर स्टैंड ऑफ़ एंटी टैंक ये भी है ठीक है तो ये भी मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई थी इंडिया सक्सेसफुली सक्सेसफुल टेस्टफायर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सेंट इसको बोला गया है और डी ने ही इसको डेवलप किया है और इसमें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी भी है और किसके द्वारा ये बनाया गया है इमारात है ना जो डी आर रिसर्च सेंटर है और इंडियन एयरफोर्स कोलाब्रेशन के, को के द्वारा तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, है इसमें देन ट्यूबोरियल सेलेवरी ग्लैंड ठीक है तो इसी की हम कल बात कर रहे थे कि ये जो है आपने आंसर भी दिए थे गरिमा ने तो आ, बहुत ही अच्छी बात है ठीक है तो आपको ये हमेशा क्योंकि याद रहेगा कि एटलीस्ट कौन से बॉडी का पार्ट मतलब अभी मिला है ह्यूमन बॉडी का पार्ट ना तो ऑर्गन तो ये ह्यूमन थ्रोट में है है ना काफ़ी ज्यादा पोटेंशियल ये डिस्कवरी है एंड ये क्योंकि रिसर्च की जा रही थी प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड तो इसमें यहाँ पे फाइंड किया इन्होंने कि न्यूली डिस्कवर्ड ग्लैंड आर अबाउट वन टू वन पॉइंट फाइव इंचज थ्री लेंथ ऑन एवरेज और लोकेशन ये आप देख सकते हो एंड दे फंक्शन द ग्लैंड डुप्लीकेट एंड मोस्टन द अपर थ्रोट बिहाइंड द नोज अभी तक की क्या है कि देर वर थ्री नोन लार्ज सेलेवरी ग्लैंड अभी तक तीन uh, ही सेलेवरी ग्लैंड्स थी हमारी ह्यूमन में ह्यूमन बॉडी में तो वन अंडर द टंग एक आपके जो टंग है उसके नीचे दूसरा आपके जॉ के उप, नीचे एंड वन एट द बैक ऑफ द जॉ बिहाइंड द चीक है ना आपके जो गाल हैं उसके थोड़ा पीछे साइड में तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी को यहाँ पे देख सकते हो न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है रशिया रशियन प्रेजिडेंट हैज़ प्रपोज टू एक्सटेंड द न्यू स्टार्ट स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बाय वन ईयर है ना तो इन्होंने बोला है कि एक साल के लिए उसको और एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये फेबररी 2021 को एक्सपायर हो रही है और ये यू एस और uh, किसके बीच में है रशिया के बीच में है ठीक है तो ये सब चीज़ें आपको मतलब बस रिविज़न हो रहा है आप मेरे साथ रिविज़न करते जाओ बिकॉज संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं तो एटलीस्ट अपने समय को ऐसे खर्च हम ना करें है ना तो रिविज़न ही कर लें तो सबसे पहले ये देख लो कि इट केम इन टू फोर्स ऑन फिफ्थ फेबररी टू थाउजेंड अलेवन पाँच फरवरी दो हज़ार ग्यारह को ये फोर्स में आई थी एंड इट इज़ अ सक्सेसर टू स्टार्ट फ्रेमवर्क ऑफ नाइनटीन नाइन्टी वन ठीक है एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर तो ये मतलब लिमिटेड कर दिया था इसने काफ़ी हद तक और ये लिमिटेशन ही लगाती है जो ऑफेंसिव आर्म्स हैं है, है ना उसको क्या करना उसका रिडक्शन करना उनको लिमिट करना तो ये है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है पाँच साल पाँच और सालों के लिए ओके आईटीसी की बात की गई थी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है सरकार मतलब इस पर काम कर रही है कि इसका फॉर्मेशन होना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बाद तो इसमें क्या होगा जो भी तीनों सर्विसेज हैं हमारी तो उसका एक यूनिफाइड ये कमांड हो जाएगी ठीक है ए अंडर सिंगल एक कमांडर होगा ठीक है एक कमांडर के अंडर में ये जो आई है ठीक है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ये होगी और इसमें क्या होगा फॉर जोग्राफल थिएटर दैट आर ऑफ ए एंड सिक्योरिटी कंसर्न तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी इफेक्टिवली ये काम करेंगे और थ्री फोर्सेज विल ऑल्सो वाइड्लीके रिसोर्सेस और स्ट्रेंथन करेगी गोहेशन को डिफेंस आ, के इस्टेब्लिशमेंट में और जो शिकेतकर कमेटी है उन्होंने रिकमेंड भी किया था क्रिएशन ऑफ थ्री इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स नॉर्दर्न फॉर द चाइना बॉर्डर एक वेस्टर्न कमांड होगी पाकिस्तान बॉर्डर के लिए सर्दर्न होगी मेरेटाइम रोल के लिए है ना तो शिकेतकर कमेटी की रिकमेंडेशन थी देन यहाँ पे दूसरी जो क्या रिविजेंट करना है लाइफ इन मिनेचर प्रोजेक्ट ठीक है आर्ट एंड कल्चर सेलेटेड हो जाएगा इट इज अ कोलोबरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन द नेशनल म्यूजियम न्यू डेली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर तो ये है इसके द्वारा ये कोलेबरेट करके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था ऑनलाइन मतलब क्या होगा दिखाया जाएगा है ना पेंटिंग्स जो मिनेजर पेंटिंग्स है सेवरल हंड्रेड मिनेचर पेंटिंग्स फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम न्यू डेली कैन बी व्यूड ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं इसको ये सब चीज़ें इसमें है और अगर मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ आप स्लो कर सकते हैं ना नेक्स्ट ये है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखनी है ना तो टेस्टी ऑफ सेक्शुअल असोल्ट विक्टम इनफ फॉर कन्विक्शन तो जो आ, कोई जो सेक्शुअल विक्टम है अगर वो खुद से मतलब बोल रही है तो उसका ही जो बोलना है स्टेटमेंट है तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी एविडेंस माना जाएगा वुमेन का ठीक है हु इज़ अ विक्टम ऑफ सेक्शुअल ऑफेंस उसका जो स्टेटमेंट है इज इनफ टू फाइंड हर असिलेंट गिल्टी है ना तो गिल्टी उसमें माना जा सकता है तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट जो था थर्टीन uh, ईयर्स की जो ओल्ड uh, मतलब छोटी बच्ची थी तमिलनाडु की तो उसके साथ किया गया था तो उसके बाद ये जजमेंट आया यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत बायोटेक जो है वेरो वैक्स के साथ फॉर कोवैक्सीन कंसास तो इसके लिए मतलब एक डील की थी ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट था एडजुवेंट क्या होता है एडजुवेंट एक इन्ग्रीडियंट होता है दैट इज़ यूज टू हेल्प मेक द वैक्सीन वर्क बेटर है ना और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे जो वायरस मतलब वो थे नोबल प्राइज तो उसके बारे में पढ़ा था नोबल इन फिजोलॉजी एंड मेडिसिन है ना तो इनको दिया गया है तीनों लोग हार्डले जो अल्टर माइकल चार्ल्स एम राइस है ना और किस किस के लिए दिया गया है वो भी आप देख सकते हो है ना इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे नोबल प्राइज़ फिजियोलॉजी है ना तो ये सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं जी ट्वेंटी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इसी के बारे में मैं बता रही थी इसी को सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया है ठीक है और सी पी आई तो सी पी आई से रिलेटेड एक न्यूज़ ये थी इंडियन एक्सप्रेस में कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड तो नहीं थी लेकिन क्या थी uh, किससे रिलेटेड थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ठीक है आई डब्ल्यू तो आई ये ये वाला जो है इसका जो बेस ईयर है वो 2016 किया गया है ठीक है पहले कितना था 2001 था टाइमली ये चेंज किया जाता है क्योंकि मतलब जो 2001 में जो सिचुएशन थी वो अब 2020 में तो नहीं है ना हर चीज़ के जो आपकी जो खर्च करने की आप यहाँ पर जो था पचास रुपए खर्च करते थे दस रुपये खर्च करते थे अब आप यहाँ पे पाँच सौ रुपये खर्च कर रहे हो और जो आपकी जो नीड्स हैं वो चेंज हो रही हैं आपके जो कंजम्पशन जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट हो गई तो इस वजह से ये इसको देखते हुए ये सब चेंज किया जाता है ठीक है बेस ईयर तो यहाँ पे दो से दो कर दिया गया है सी पी रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सीरीज पहले भी ऐसा किया गया था जैसे उन्नीस में नाइनटीन फोर्टी से नाइनटीन सिक्सटी से एटी टू दैन एटी टू से टू थाउजेंड वन ठीक है तो ये आप याद रख सकते हो अब ये क्या सी आई डब्ल्यू इज मेनली यूज फॉर डिटमिनिंग डियरनेस अलाउंसेस पेड टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक है बिसाइड्स मेजरिंग इन्फ्लेशन इन रिटेल प्राइस फिक्सेशन करना जो मिनिमम वेजेस होती हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए एंड ये जो है कंपाइल की जाती है एंड मेंटेन की जाती है लेबर ब्यूरो के द्वारा किसके द्वारा लेबर ब्यूरो के द्वारा जो किसके अंतर्गत है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इसका अटैच्ड ऑफिस है अब सी के बारे में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये एन के द्वारा रिलीज़ की जाती है किसके द्वारा एन के द्वारा जितने भी जो कमोडिटीज़ रहती हैं सर्विसेज रहती हैं जैसे फूड मेडिकल केयर एजुकेशन एजुकेशन क्या हो गई हमारी सर्विसेज में हो गई ना फूड जैसे कमोडिटी हो गई तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कॉमोडिटी ठीक है तो इसका ये जितने भी डिफरेंसेस होते हैं प्राइस के तो उनको कैलकुलेट करती है एंड इसमें काफ़ी सारे सब ग्रुप्स होते हैं लेकिन मेनली अगर हम कुछ स्पेसिफिक वर्किंग क्लास की बात करें तो तीन जो है वर्किंग क्लास हैं ठीक है स्पेसिफिक तो फाइव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस हैं यहाँ पे विच ऑफ थ्री ऑफ आर वर्किंग क्लासेस स्पेसिफिक ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो सी पी आई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर तो इसी की हमने बात की गई है कि दो हजार एक से इसका बेस ईयर दो हज़ार सोलह हो गया है सी पी आई फॉर एग्रीकल्चर लेबरल सी पी आई फॉर रूरल रूरल लेबरल ठीक है तो ये चीज़ें तीनों जो इंडेक्स हैं कंपाइल की जाती है लेबर ब्यूरो के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा होता है ठीक है सी पी आई जो ए एल है एंड सी पी आर एल है वो यूज़ किया जाता है फिक्स करने के लिए जो मिनिमम वेजेस होते हैं एग्रीकल्चर लेबरर्स के और जो अनस्किल्ड जो रूरल जो लेबरस होते हैं उसके द्वारा ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट है इसको आप याद रखिएगा सी पी आई कम्बाइंड भी होता है जब ये सारा जो डाटा होता है इसको कम्बाइंड कर लिया जाता है तो ये भी है ठीक है नेक्स्ट सी बी आई के बारे में तो हमको पता है क्या क्या न्यूज़ थी सी बी आई से रिलेटेड एक जनरल कंसेंट वाला एक ज़रूर आप देख लेना और जो डेली पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट है उसको इससे बार मिलती है सी को है ना तो ये सब देख लेना फ़ूड सिक्योरिटी क्योंकि वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट किया गया था और इस वजह से हमने ये जो आर्टिकल है डिस्कस किया था यहाँ पे हमने तीनों जो क्रॉपिंग सीजन उनका जो टाइम पीरियड है क्रॉप्स है स्टेट्स है वो सब भी हमने देखे थे है ना रबी खरीफ जायद कब ये सोन पीरियड होता है कब कल्टीवेशन पीरियड होता है जोर बाजरा रागी तो ये भी हमने देखा था है ना कि किस किस तरह के क्लाइमेट इनको चाहिए कैसी सॉल्स चाहिए दूसरा हमने टॉप जो मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है जैसे राजस्थान देन कर्नाटक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ये सब भी हमने देखे थे इनको कोवर्स क्रेन बोलते हैं क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू के रहते हैं रागी जो होता है इसमें आयरन बहुत ज़्यादा रहता है तो कल ही हमने क्या देखा था इससे रिलेटेड जो आर्टिकल था वो डिस्कस किया था इसलिए आप डेली जो न्यूज़पेपर है उसको आप रेगुलरली सुना कीजिए ठीक है यहाँ पर हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये तो क्विज़ थी देन ह्यूमन डिग्निटी डे सेलिब्रेट किया गया था अब यही जो पांडुरंग शास्त्री अथावाले थे उनकी बर्थ सेटेनरिटी है ही इज ऑल्सो नोन एज दादा है ना तो दादा भी इनको बोले जाते थे इन्होंने मतलब मेन ये याद रखना कि सोशल रिफॉर्मर इनको अवार्ड भी दिया गया था रेमन मैक्से अवार्ड इनकी जो कम्युनिटी लीडरशिप थी 1996 उसके लिए टेम्पल्टन प्राइज़ दिया गया था इनको रिलीजन में प्रोग्रेस के लिए 1997 में इंडिया का जो सेकंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म भूषण नाइनटीन में दिया गया ठीक है फर्स्ट जो सेलिब्रेट किया गया था नाइन्टीन में सेलिब्रेट किया गया था एक हमने मलंकारा मार्थ थामा सीरियन चर्च की बात की थी है ना तो ये चर्च भी हैज़ वन ऑफ द एंशंट इंडिजिनस चर्चेज इन केर केरल में यह है क्योंकि यहाँ के जो चर्च के जो हेड थे जोसेफ मार्थोमा उनकी मृत्यु हो गई थी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है नाइनटीथ बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी था यहाँ पे मेट्रोपोलिटन का ट्वेंटी ऑफ जून को इसराइल और बहरीन ने फॉर्मलाइज कर दिए हैं डिप्लोमेटिक टाइज ठीक है किसके साथ हाँ, मतलब इसराइल एंड बहरीन टू तो फॉर्मलाइज एक आपस में है ना बीच में और कल ही हमने देखा था कि सूडान जो है सूडान ने भी रिकोगनाइज़ किया गया है तो आज ही इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है न्यूज़ कि ईरान ने इसको क्या बोला है रैनसम डील बोला है रैनसम डील क्यों बोला है क्योंकि आपको पता है सूडान जो है वो एक टेररिज्म ब्लैक लिस्ट में उसको यू ने किया होता था ठीक है टेररिस्ट ब्लैक लिस्ट वाली तो उसके बाद अभी इनको इस वजह से क्या होता था जितने भी इंटरनेशनल जो मॉनिटरी एड एंड असिस्टेंस है आई हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो तो उनसे लोन वगैरह ये नहीं ले पाता था सूडान है ना तो काफी सारे सामना करना पड़ रहा था इनको चैलेंजेस का लेकिन यहाँ पे अब डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए है तो यहाँ से सैक्शन हटा दिए और जो जो टेररिस्ट लिस्ट है ब्लैक लिस्ट तो उससे भी इनको रिमूव कर दिया था है ना तो उसके बदले में मतलब इन्होंने सूडान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्होंने थैंक यू बोला यू एस ए को और साथ में जो इसराइल है तो उसको बोला कि ये भी रिकोग्नाइज करेंगे इसराइल को है ना डिप्लोमेटिक टाई जो है स्टेब्लिश करेंगे तो इसीलिए ईरान ने यहाँ पे कहा कि एक तरह से फिरौती वाला काम ये चल रहा है रैनसम मतलब क्या होता है फिरौती ये इंपॉर्टेंट लोकेशन देख सकते हो सऊदी अरेबिया रियाद कैपिटल है ये यू है दुबई कतर बहरीन ठीक है यह गल्फ गल्फ़ परशियन गल्फ यहाँ पे गल्फ़ ऑफ़ ओमान है ईरान है ठीक है यहाँ पे छाबार पोर्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ है आई है इंडियन एक्सप्रेस में तो वो भी हम देखेंगे अभी ओमान यमन स्टिंग स्किंग्स ऑफ इंडिया बाय जे एस आई ठीक है तो आज तक जो है हम ये समझते थे कि स्किंग्स जो होता है मतलब मैं तो यही समझती थी कि स्किंग्स को क्या बोलते हैं वो होता है ना एक छोटा सा कि पलक झपकते ही वो बिल्कुल ऐसे सांप की तरह जो दिखता है और इधर उधर चला जाता है पता नहीं चलता कि गया कहाँ तो सांप की मौसी इसको बोलते थे ना सांप की मौसी पतला सा बिल्कुल ये वाली फ़ोटो वाली नहीं है जो मैंने देखा है लेकिन वो दूसरा होता है थोड़ा पतला सा तो ये होते हैं ठीक है तो अभी तक इसको ये समझते थे लेकिन ये क्या है ये लार्जेस्ट फैमिली ऑफ लेजर्ड्स हैं ठीक है थीके? शिपकलियों की सबसे बड़ी फैमिली ये है होती हैं वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू जो है स्पीसीज हैं स्किंक्स की पूरे अगर दुनिया में देखें और इंडिया में फोर परसेंट हैं ठीक है थीके? और सिक्सटी टू स्पीसीज हैं इसकिंग्स की अबाउट फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ ऑल दिस किंग्स फाउंड इन इंडिया तैंतीस जो स्पीसीज है वो एंडमिक हैं ठीक है थीके? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और जो हिमालयाज कोस्ट हैं डेंस फॉरेस्ट हैं डिजर्ट हैं यहाँ पे ये होती हैं ठीक है थीके? तो ये इसकी जो बॉडी होती है वो लंबी बॉडी मतलब लॉन्ग बॉडीज होती है रिलेटिवली स्मॉल नो लेग्स नो प्रोनाउंस नेग हैंगलॉसी स्केल्स स्किंग्स आर कॉमनली रेप्टाइल्स साधना पास है ये भी न्यूज़ में था अभी इसको क्या बोला जाता है नस्ट चुन पास ठीक है माउंटेन पास है जम्मू कश्मीर है और हिमालय में मतलब ये लोकेटेड है और कनेक्ट करता है कारना तहसील को जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का वहाँ से जो रेस्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहाँ से ठीक है कश्मीर वैली को तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो शाम श्री माउंटेन ब्री जो माउंटेन रेंजेज़ है वहाँ पर लोकेटेड ये देखे होंगे कांगना ये जो टनल है ठीक है नेक्स्ट क्स ट्वेंटी uh, जो हमने बताया था इंडिया नेवी और श्रीलंका नेवी के बीच में है दो से स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज़ और बाकी हमने क्वैड ग्रुपिंग के बारे में बताया है जापान इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया ठीक है और 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था ज्वाइन किया गया था इस एक्सरसाइज़ को दो में जो सिंधु आबे हैं फॉर्मन प्राइमिस्टर जो थे जापान के तो उन्होंने ये जो स्टार्ट uh, इनिशिएटिव है ये किया था है ना तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्किल इंडिया ऐप जो है रिसेंटली अनाउंस किया गया था द स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट है फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ ठीक है इंडिया एंड्रॉइड ऐप इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म तो इंटीग्रेटेड एक क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जितने भी सर्विसेज हैं उसके लिए ये एक ऐप है स्केल इंडिया ऐप इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये न्यूज़ में था क्योंकि नाइनटीन नाइन्टी uh, क्या था अभी सेलिब्रेट किया गया था और Uh, इसको इसकी जो थीम है 2020 की वो है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल ठीक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैलेट्रल एक्सरसाइज है तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हैं तो आप इसको रेगुलरली सुना कीजिए तभी आपको ये सारी चीज़ें जो है याद रहेंगी देन uh, जो दूसरा है ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग ट्वेंटी तो ये वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी थी ठीक है एनुअल मीटिंग में इनोग्रेशन सेरेमनी में यहाँ पर बोला था उन्नीस से इक्कीस अक्टूबर के बीच में हुई थी तो सबसे पहले मिनिस्ट्री देख लो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये थी ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब ये क्या करता है ग्रैंड चैलेंज अ फैमिली ऑफ इनिशिएटिव्स काफ़ी सारे इनिशियेटिव यहाँ पे लिए जाते हैं कि जो जो भी इनोवेशन है ठीक है ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड और जो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स है तो उसको यहाँ पे करना तो 2012 में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी पार्टनरशिप बिटवीन इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी ठीक है Bill और यहाँ पर आपको बताया कि बिल और बिल गेट्स ने भी क्योंकि स्पीच दी थी है ना तो इनके ही कोलाब्रोशन से ये स्टार्ट हुआ है ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अब यहीं पे हमने हींग के बारे में भी देखा था ठीक है हींग इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में भी एक न्यूज़ थी कि ऐसा फोयटिडा फो जो है हींग है है ना कॉमनली ये हर किचन में यूज़ होता है इंडियन किचन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इंग्रेडिएंट है एंड ये मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है ये यहाँ पे क्योंकि ग्रो ही नहीं किया जाता in है ठीक है हींग इज़ नॉट कल्टिवेटेड इंडिया ये एंडेमिक है मेनली कहाँ पर होता है ये ईरान और अफ़गानिस्तान में होता है और कुछ पार्ट उज्बेकिस्तान के पार्ट में भी होता है ठीक है तो वहाँ से हम 600 करोड़ का जो है इसको इम्पोर्ट करते हैं और ये पेरिनल प्लांट है प्लांट इस्टोर मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट इनसाइड इट्स डीप फ्लैशी रूट्स काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि जब मैंसुरल पेन होता है उसमें भी इसको कंज्यूम किया जाता है इसके अलावा बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं और भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी और इट्स हाइव्स इन ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशन ठीक है तो अभी ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि सी आई सी आर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स पालमपुर एच आई एच बी टी तो इन्होंने एक मिशन ये लॉन्च किया है कि हींग को क्या करना है इंडियन हिमालय में ग्रो करना है द फर्स्ट सेपलिंग हैज़ बीन प्लांटेड ऑलरेडी है ना हिमाचल प्रदेश के जो कावरिंग विलेज है एंड लाहौल वैली वहाँ पे इसको किया गया है ठीक है ये हींग आपको ये देखने को मिल सकता है ये इसका प्लांट भी है और ये बाद में है कंट्रीज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम में है ठीक है असम में और ये प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट कनेक्टिविटी एयर से रोड से रेल से वाटर वेज टू पीपल है ना इट विल बी डेवलप्ड अंडर एमिशन जो भारत माला परियोजना है उसका ये क्या है आ, मतलब पार्ट है ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा असम मिजोरम बाउंड्री डिस्प्यूट जो है हमने किया ही है डिस्कस ऑलरेडी 1875 सेवेंटी फाइव का जो डिफरेंशिएशन था मतलब नोटिफिकेशन और 1993 थ्री का नोटिफिकेशन है ना तो ये इसको मतलब ज़्यादा ये देखना जरूरी है देन आई एन के बारे में देखा था एंटी सबमरीन वॉरफेयर है इसको अभी रिसेंटली कमीशन किया गया इंडियन नेवी में नाइन्टी परसेंट इंडिजिनियसली कंटेंट है इसमें प्रोजेक्ट पी ट्वेंटी एट के तहत यह है ठीक है तो पी ट्वेंटी एट याद रखना है किससे रिलेटेड है आई एन एस कमरोटा क्लास एंड वॉज अप्रूव इन टू थाउजेंड थ्री दो हज़ार तीन में यह अप्रूव हुआ था, 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 था। और ये सारे इसमें वॉरशिप्स हैं इस प्रोजेक्ट ट्वेंटी एट के अंतर्गत है ना और जो लक्ष्यद्वीप की कैपिटल है उसके नाम पे ये कवृति ये रखा गया था कोविड ऐप है अगर ये मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं कि कोविड ऐप एक वैक्सीन है कोविड से रिलेटेड कोविड ऐप एक इंस्टीट्यूट है कुछ भी है तो कोविड ऐप क्या है ये एक डायग्नोस्टिक मशीन है फॉर कोविड नाइन्टीन डिटेक्शन ठीक है तो कोविड नाइन्टीन के डिटेक्शन के लिए एक डायग्नोस्टिक मशीन है जो आई आई टी खरगपुर ने इसको डेवलप किया है ठीक है रिसर्चर्स जो है आई आई टी खरगपुर के वहाँ इनको इन्होंने डेवलप किया गया है फाइव फाइव थाउजेंड लेस देन फाइव थाउजेंड कॉस्ट है इसका और मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है <laughs> व्हाट इज़ इन्फोडेमिक तो इन्फोडेमिक ये होता है कि बहुत सारी इन्फॉमेशन होना और उस इफॉर्मेशन में क्या मतलब करेक्ट इफॉर्मेशन नहीं वो गलत इफॉर्मेशन भी हो सकती है मिसलीडिंग इन्फॉमेशन भी होती है जो सोशल मीडिया पर होती है जो आप फेसबुक न्यूज़ या व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से इनफॉर्मेशन लेते हैं ना वो है इन्फोडेमिक एक तरह से ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नेक्स्ट अगर जो कुछ है यहाँ पे एफ ए टी एफ बताया नाइनटीन एटी नाइन यहाँ पर जी सेवन कंट्रीज़ का ये इनिशिएटिव है ठीक है जी जी सेवन कंट्रीज़ का इनिशिएटिव और थर्टी नाइन इसमें मेम्बर है ना गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के भी है और यूरोपियन कमीशन के भी. इसमें दो मेंबर ये हैं और घर तक फाइबर स्कीम जो है बिहार से लॉन्च हुई थी ठीक है बाकी तो ये सारे हमने देखे ऑसिरेक्स एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न जो है अभी जो बेन्नू है ना एस्ट्रॉइड है तो वहां से मतलब सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे ऑसिरेक्स रेक्स की जो फुल है देख लो ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगुलथ एक्सप्लोरर ठीक है थर्ड मिशन है नाशा का जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम है नाशा का तो उसका ये है ठीक है न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का विच प्रीवियसली सेट न्यू होराइज़न स्पेस भेजा था उन्होंने प्लूटो के लिए है ना और जुनो जो था जुपिटर के लिए भेजा था ठीक है अब बेनू को ही चूज़ इसलिए किया गया था क्योंकि बेनू जो है बिल्कुल पास में है है ना और प्रॉक्सिमिटी है अर्थ से और साइज़ भी थोड़ा स्मॉल है एस्ट्रॉइड्स दो लेस देन टू हंड्रेड मीटर इन डाय मीटर टिपिकली स्पिन मच फास्टर है ना तो जो कम रहते हैं जो लार्जर एस्ट्रॉइड्स रहते हैं तो उससे मतलब जिनका साइज कम रहता है तो और तेज़ी से वो फास्टर तरीके से स्पिन भी करते हैं ना और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये हो सकती है ना तो यही इसमें है नेक्स्ट तो यहाँ पे है एस डिजिटल सर्टिफिकेट स्कूल्स हैज़ बूथ्स एंड ब्लूप्रिंट फॉर कोविड वैक्सीन ड्राइव नेक्स्ट ईयर ठीक है तो जितने भी जो डेट होगी या टाइम या वेन्यू डिटेल्स होंगे वो एस के द्वारा सेट किया जाएगा और उसके बाद उस सर्टिफिकेट को पूरा डिजी लॉकर में रख दिया जाएगा ठीक है तो ऐसी योजना मतलब बनाई जा रही है जो भी सैम्पल है वो लिए जा रहे हैं मतलब यहाँ से सो द ड्राइव एंड अर्ली रिसिपेंट्स तो सेंटर रिस्पेक्ट्स टू रिसीव एंड यूटिलाइज 400 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड मिलियन वैक्सीन डोजेज एंड कवर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव करोड़ पीपल ठीक है तो टू थाउजेंडेंड ट्वेंटी वन तक जुलाई तक ये इतने सारे पच्चीस बीस से पच्चीस करोड़ लोगों को ये कवर करेगा और ये बोला जा रहा है कि स्टेट की जो प्रायरिटी होगी प्रायोर्टी ग्रुप्स में कौन होगा सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल होंगे ठीक है वुड बी अमंग अर्ली पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जो दूसरी न्यूज़ है ये ईरान ने बोला है कब कप, ईरान कब्स वॉन्ट हिट छाबार है ना तो यू एस ने अभी क्योंकि अब बोलता टू प्लस टू मीटिंग होने वाली है इसके बीच में इंडिया और के बीच में ठीक है इंडिया एंड यूएसए के बीच में टू प्लस टू मीटिंग होगी यहाँ पे मतलब दोनों देशों के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं यू के भी इंडिया के भी और दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी आपस में बातचीत करेंगे और यहाँ पर देखो बहुत बड़े एग्रीमेंट होने वाले हैं जो ये मीटिंग होगी इसमें एक तो बेका होगा ठीक है बेका साइन किया जाएगा है ना बेका और दूसरा क्या किया जाएगा आ, दूसरा मतलब पहले किए गए थे दो वो आपको याद रखने एक क्या था लिमोवा लॉजिस्टिक एक्सचेंज था दूसरा एक था कॉमकासा ठीक है तो ये सारे जो अगर हम इंडिया यूएस के जो डिफेंस रिलेशन है उसमें अगर लिखने को आते हैं तो ये हम सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो अभी बस यही है कि यूएसए ने ये बोला है कि जो हम ईरान पे क्योंकि वहाँ का जो यूएसए का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने एटीनथ मेजर ईरानियन बैंक पे सैंक्शन लगाए प्रतिबंध लगाए तो ये बोला है कि इंडिया के जो छाबार प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा है ना तो एक तरह से वो अश्योरेंस उन्होंने दिया है हमें अब नवंबर में क्योंकि इलेक्शन भी होने वाले हैं वहाँ पे तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए भी यहाँ पर जो ट्रंप है वो इस तरह के मतलब वो कर रहे हैं ना तो एक ये भी है यहाँ पे ये वाली जो न्यूज़ थी एस डिजिटल सर्टिफिकेट स्कूल एज एन ब्लू फॉर वैक्सीन ड्राइवर डिसीज़न जो ये लिया गया है कि जो की फ़ीचर है उसमें ऐड किया जाएगा ई वी आई एन ई वी आई एन क्या है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ये इंडिजसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है ये जितना भी मतलब वैक्सीन होगी ना तो उसके जो स्टॉक्स होंगे उनको डिजिटली ये ट्रैक किया जाएगा सो दैट विल ट्रैक द बेनिफिशियरी जिस पर्सन को वैक्सीनेट किया जा रहा है उसको भी ये क्या करेगा मतलब पूरी तरह से ट्रैक किया जाएगा और इंडिविजुअल जो है क्यू आर बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन जो है डिजिटल लॉकर में वो रख सकते हैं ठीक है यहाँ पे छाबार से रिलेटेड ही था तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि जो छाबार प्रोजेक्ट है वो क्या है हैज़ बीन वन ऑफ द की एलिमेंट्स ठीक है वन ऑफ़ द की एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज अफगानिस्तान स्ट्रेटजी और इंडिया ने फुल कंसाइनमेंट अफगानिस्तान को भेजा था वीट का एज अ अनेटेरियन असिस्टेंस है ना सेवेंटी फाइव थाउजेंड मेट्रिक टनस का एंड अफ सप्टेम्बर ट्वेंटी एट में तो छाबार में वो पहुँचा था थर्टी में तो आप देख सकते हो ट्वेंटी तारीख को हमने भेजा है और सेप्टेम्बर थर्टी में ही वो क्या हो गया uh, वहाँ पे पहुँच गया है ना तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मतलब जो टाइम है टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है ना इसकी वजह से तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड मीटरिक वीट वॉज फुली डिस्पैच फ्राम कांडला पोर्ट टू अफगानिस्तान इन टाइम बाउंड मैनर विद इन फाइव मंथस वह इन टेन कंसाइनमेंट्स ठीक है और थ्री थाउजेंड टू थर्टी थ्री कंटेनर्स भेजे हैं और बाकी की जो इम्पॉटेंट चीज़ें यहाँ पे है कि दिस ह्यूमेनिटेरियन जेस्चर टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ कोविड नाइनटीन पैंडमिक है ना और सबसे मेन ये कि ये एक सिम्बल है कि इंडिया पीपल सेंट्रिक अप्रोच इन डिप्लोमेसी जो हमारी डिप्लोमेसी है उसमें हम कितनी ज्यादा पीपल सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं है ना क्योंकि यहाँ पे एक तरह से इसको क्या बोला गया छापार छापार जो प्रोजेक्ट है उसको एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट बोला गया है इस रीजन में है ना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देने के लिए ये पैंडमिक के टाइम पे अब जो यहाँ पे इंडिया ने और क्या क्या डिस्पैच किया है इंडिया इसके अलावा इंडिया ने जो है ट्वेंटी थाउजेंड लीटर्स पेस्टिसाइड मेलाथीन जो है नाइन्टी सिक्स परसेंट यू तो इसका भी वहाँ पे डिस्पैच किया है ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड लीटर्स पेस्टिसाइड तो क्योंकि आपको पता है अभी हमने कुछ टाइम पहले क्या पढ़ा था लोकस्ट का अटैक जो हो रहा था ठीक है तो ईरान भी उससे काफ़ी ज़्यादा उसके लिए चैलेंज था उससे डील करना लोकस क्राइसिस थे जो टिडियाँ थी ना तो वो सारी जो क्रॉप है उसको डैमेज कर रही थी तो इस वजह से ये हमने उसमें किसका यूज़ होता है मेलाथियन का है ना मेलाथियन तो ये चीज़ है पेस्टिसाइड का है ना बार में एंड द पेस्टिसाइड वॉज बाय बाई प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान की जो कृषि मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो उसके अंडर में काम करता है ठीक है पी तो ये भी है और दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है? बाकी यहाँ तो कुछ भी खास था नहीं ठीक है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर किसान सूर्योदय योजना विल बी अ माइलस्टोन फॉर फार्मर्स इन गुजरात तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जो है तीन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं गुजरात में ठीक है वन क्या है यहाँ पर आपको देख सकते हो कि जो सी है यहाँ के गुजरात के विजय रूपानी ये क्या देख रहे हैं केबल कार से इनाग्रेशन गिरनार रोप प्रोजेक्ट का जूनागढ़ में अब ये जो गिरनार रोप प्रोजेक्ट है इसको बोला जा रहा है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टेम्पल रोप प्रोजेक्ट एट गिरनार जूनागढ़ डिस्ट्रिक ठीक रोप वे क्या है गुजरात का फोर्थ रोप वे प्रोजेक्ट है और अगर ये बोल रहे कि हर्डल नहीं आए रहते इसमें तो कब का ये जो था ये पेंडिंग नहीं रहता अब तक ये बन भी जाता है ना इसके अलावा जो है यू एन मेहता इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में तो ये भी कंट्री का, yeah, का बिगेस्ट कार्डियक का हॉस्पिटल है और ये का... जो बहुत सारे हॉस्पिटल में से एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं ठीक है फोर फिफ्टी बेड्स इसमें हैं एट दिस हॉस्पिटल हैव बीन इंक्रीज टू वन थाउजेंड टू फिफ्टी वन और काफ़ी सारे जो दूसरा और क्या है दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो आ... कि जो किसान ठीक है किसान सूर्योदय योजना जो है सूर्योदय दया योजना रुपीज़ फोर थाउजेंड वन हंड्रेड करोड़ की गुजरात में योजना जो है लॉन्च हुई है अब इसमें क्या होगा ये आने वाले जो तीन साल हैं उसमें थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे जो फार्मर्स हैं उनको सोलर पावर प्रोवाइड करने के लिए ठीक है कि डे टाइम में भी वो इरीगेशन जो है वो कर सके आराम से तो आफ्टर सुजलाम सुफलाम एंड सोनी योजना ये दोनों ही प्रोजेक्ट इरीगेशन सिंचाई से रिलेटेड परियोजनाएं हैं इरीगेशन प्रोजेक्ट कौन सा सुजलाम सुफलाम एंड सोनी योजना एंड किसान सूर्योदय योजना तो ये सारे ही एक माइलस्टोन्स uh, होंगे फॉर द फार्मर्स ऑफ गुजरात ठीक है तो ये चीज़ें इसमें याद रखिएगा देन यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज है यहाँ पे एक देख सकते हो कि इंडिया की जो फर्स्ट वर्ल्ड वैक्सीन है वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन जो है इंडिया में कब आई थी तो 1802 में आई थी ठीक है 1802 में आई थी किसके लिए आई थी स्मॉल पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की खोज आपको पता किसने की थी इस वैक्सीन की एडवर्ड जेनर ठीक है सेवनटीन एडवर्ड जेनर जो इंग्लिस फिजिशियन थे इन्होंने अपनी एक थीस लिखी थी इनकूशन ऑफ कॉपॉक्स उसके बाद फिर इन्होंने पूरे जो सेफ प्रोटेक्शन थे स्मॉल पॉक्स के लिए वो प्रोवाइड की सेवनटीन में इसको कन्फर्म भी किया गया था जो इनके एक्सपेरिमेंट्स थे और उसके बाद जो थी ये वैक्सीन को इनो क्लेशन में लाया गया था है ना और ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं देन यहाँ पे ये भी है कि जो जब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन हुआ था दिल्ली में 1805 में तब शाह आलम थे है ना मुगल एम्पर कौन थे मुग़ल बादशाह शाह आलम तो इनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन चिल्ड्रन थे उन्होंने भी उनको भी वैक्सीनेट किया गया था राजा सरफिरजी ऑफ तंजौर थंजावर पैशनेट अबाउट साइंस एंड टुक अप वैक्सीनेशन हिमसेल्फ है ना तो ये है जो रॉयल ऑफ मैसूर थे उन्होंने भी वैक्सीनेशन को रिगार्ड किया था एटीन में तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है नेक्स्ट यहाँ पे है स्पेस क्राफ्ट लिकिंग एस्ट्रॉइड सैम्पल्स आफ्टर हार्ट आ, कर कलेक्शन है तो ये बेनू की वही बात हुई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे बाइडेन ने ये प्रॉमिस किया है कि वो अगर इलेक्टेड हो जाते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट ऑफ यू तो यहाँ पे वो वैक्सीन जो है हर किसी को फ्री में देंगे है ना कॉन्ट्रोवर्सी ओवर ओल्ड मैप ऑफ नेपाली नेपाल इन ओलीज़ दशहरा ग्रीटिंग कार्ड तो आज दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं सब लोग लेकिन यहाँ पे जो यहाँ इन्होंने दशहरा ग्रीटिंग निकाले थे तो उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने कहा कि आपने जो न्यू फ्लैग यहाँ पर किया है स्टार्ट तो उसको यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया तो उनका ये कहना था कि वो हमने न्यू फ्लैग जो एरिया है मतलब न्यू मैप में जो एरियाज़ हैं न्यू वो भी उसमें दिखाए लेकिन मैप छोटा होने की वजह से जो है वो यहाँ पर कवर नहीं हो पा रहे हैं ना तो इंडिया के जो आपको पता है उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है काला रीजन है ना धुरा तो इनको अपने टेरिटरी में दिखाना स्टार्ट कर दिया है ना टू कंसल्ट विद रॉयल्स आफ्टर के emergency. तो वहां पर जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट है वो काफी अंडर प्रेशर में है मलेशिया में तो बस ये भी बता होनी चाहिए ठीक है एंड ईरान से सूडान डील डी सिक्योर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सो so, एक यहाँ पे क्या है यूनाइटेड फ्रंट तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि जनवा डेटा जो है वो टारगेट कर रहा है हमारे यहाँ के जो इंडिविजुअल हैं इंस्टीट्यूशन हैं प्रोमिनेंट लीडर्स गवर्नमेंट बिजनेस मीडिया सिविल सोसाइटी और अभी जो है यूनाइटेड फ्रंट भी गैदर कर रहा है चाइना का इंटेलिजेंस जो हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी जो इंफॉर्मेशन सिक, है ठीक है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको तो ये चीज़ बोला गया है क्या है? सीरियस बिजनेस है ये एक यूनाइटेड फ्रंट एंड फोकस इज ऑन फ्रंट फॉरन एलाइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दे रन है ना तो ये है यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग इंडिया चाइना यू डोंट वॉन्ट सिचुएशन टू एस्कोलेट टॉप यू एस ऑफिशियल कैसे कहना तो ये यहाँ पे बस ये देख लो कि जो क्वाड है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कम्प्राइजिंग जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट इज नॉट एन अलायंस जैसे चाइना जिस तरह से एशियन नेटो तो हमें बोल रहा है ना मतलब इन सारे ग्रुप को लेकिन यहाँ पे ये एक अलायंस नहीं है बट ये क्या है ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज ड्रिवन बाय यहाँ पे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं शेयर्ड वैल्यूज़ हैं शेयर्ड मतलब सारे इंटरेस्टेड हैं वो स्टैंडिंग रूल्स बेस्ड ऑर्डर को आगे ले जाने में ऑर्डर इन द्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक रीजन तो ये है ठीक है तो थैंक यू हैव नाइस डे आपका दिन शुभ हो हैव अप्पी हैप्पी सनडे